प्रोटिस्टा में पहला कंपोनेंट था क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स को हम लोगों ने मेंशन किया, एनसीईआरटी में डायटम्स को ही मेंशन किया, उनके फीचर्स को बताया है ना। क्राइसोफाइट्स ये पहला कंपोनेंट हमारा हो गया। दूसरा कंपोनेंट जो होगा डाइनोफ्लेजिलेट्स, तो हमारा दूसरा कंपोनेंट मेंशन करेंगे डाइनोफ्लेजिलेट्स को। दूसरा एलिमेंट्स क्या हो, दूसरा कंपोनेंट्स प्रोटिस्टा में जो होगा इंक्लूड किया गया है डाइनोफ्लेजिलेट्स को। डाइनोफ्लेजिलेट दूसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे, प्रोटिस्टा में ये इंक्लूड है डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट के रिगार्ड हम लोग बात करते हैं, ये जो डाइनोफ्लेजिल होता है मोस्टली मेरिन और फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है? मोस्टली, याद रखना, ध्यान रखना, मोस्टली कहें मोस्टली मेराइन, दैट मीन्स सी वाटर में है ना, नमकीन पानी में यह पाया जाएगा। और ये क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेंगे, दैट मीन्स अपना खाना खुद से बनाएगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ये डाइनोफ्लेजिलेट्स क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा, फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा है ना, फोटोसिंथेटिक। ये जो है ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, येलो हो सकता है, जितना जो मेन पिगमेंट होगा उस बेसिस पे होगा। ब्लू पिगमेंट है तो ब्लू होगा, ग्रीन ग्रीन हो सकता है पिगमेंट, इस तरह से ग्रीन होगा, उसके बाद रेड येलो कुछ भी हो सकता है, रेड येलो एटीसी अलग अलग कलर का होगा। ओके, डिपेंड्स अपॉन मेन पिगमेंट्स, चाहे ब्लू होगा, चाहे ग्रीन होगा, रेड होगा, येलो होगा, ये किस भी हाथ पे होगा, डिपेंड्स अपॉन मेन पिगमेंट। मेन पिगमेंट, अगर मेन पिगमेंट रेड होगा तो रेड कलर का होगा है ना, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, जो भी मेन पिगमेंट होगा उस तरह से ये डाइनोफ्लेजिस उस कलर का होगा। अब अगर इसकी शेप की बात करें तो इस तरह से सिंपल शेप में हम लोग मेंशन करेंगे, ये सिंपल शेप में एक स्ट्रक्चर को मेंशन करते हैं। ये सिंपल शेप में डाइनोफ्लेजिलेट्स का ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से एक सिंपल स्ट्रक्चर को हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह का फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। ये कैविटी है, ये क्या है, एक्चुअली कैविटी है, इस तरह से ये कैविटी है, कैविटी मीन्स खाली जगह, ये क्या है, कैविटी, कैविटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोरो, कैविटी। ओके, तो ये इस कैविटी में इस तरह से एक जो है ट्रांसवर्स फ्लेजिला होता है, एक क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्लेजिला, और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला होता है, दो फ्लेजिला होता है डाइनोफ्लेजिलेट्स में। डाइनो, डाई मीन्स दो, फ्लेजिलेट्स डाइनो दो, फ्लेजिलेट्स दो फ्लेजिला प्रेजेंट होगा, एक ट्रांसवर्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा। क्या होगा, ये वाला क्या है, ट्रांसवर्स फ्लेजिला, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला है ना, एफ सिर्फ मैं लिख देता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला ये प्रेजेंट है ना, इस तरह से कैविटी है और ये स्ट्रक्चर है डाइनोफ्लेजिलेट्स, दो फ्लेजिला यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ट्रांसवर्स है ना ये फोरो में, और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला प्रेजेंट है। ये दो बातें हमको याद रखना है। एक्टिव मूवमेंट होगी जब ये फ्लेजिला प्रेजेंट है, ये फ्लेजिला प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कैसा मूवमेंट करेगा, एक्टिव मूवमेंट करेगा। डाइनोफ्लेजिलेट्स का मूवमेंट क्या होगा, एक्टिवली होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स में डाइएटम्स को देखा, वहाँ पे फ्लेजिला अब्सेंट था तो वो पानी के थ्रू है ना पैसिव मूवमेंट करता था, यहाँ पे एक्टिव मूवमेंट करेगा, एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट क्यों करेगा, क्योंकि फ्लेजिला प्रेजेंट है, फ्लेजिला एक नहीं दो दो फ्लेजिला प्रेजेंट है, फ्लेजिला प्रेजेंट, इसी वजह से ये क्या करेगा, एक्टिव मूवमेंट करेगा, जहाँ चाहेगा वहाँ मूव करेगा इस तरह से। ओके, सेल वाल की अगर बात करेंगे, ये डाइनोफ्लेजिलेट्स में सेल वाल की अगर बात करेंगे तो ये जो आउटर सेल वाल है ये
सेल्यूलोजिक प्लेट्स का बना होता है, सेल वॉल, सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है ये क्या है, आउटर सेल वॉल, आउटर सरफेस, सेल वॉल का आउटर सरफेस। ये जो आउटर सरफेस है ये किसका बना होता है, सेल्यूलोजिक प्लेट का, किसका, सेल्यूलोजिक प्लेट का बना होता है ना। ये जो सेल्यूलोजिक प्लेट है ये क्या है, सेल्यूलोज का बना होगा तो आउटर सरफेस टफ होगा, है ना, ओके, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट का बना होगा। अब यहाँ पे रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स को देखेंगे, डाइनोफ्लेजिलेट्स में कौन सा, रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स। एक एग्जांपल है गोनोलेक्स, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एग्जांपल को हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल डाइनोफ्लेजिलेट्स के लिए है ना, वो है एग्जांपल एग्जांपल गोनोलेक्स है ना, गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स क्या है, गोनियो गोनियोलेक्स क्या है, गोनियोलेक्स एक्स ए, ये गोनोलेक्स एग्जांपल है रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स का। ये क्या है, रेड डाइनो फ्लेजिलेट्स का है, रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स का है ना। ये जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स गोनोलेक्स है ये क्या करता है, मल्टीपल मल्टीपल फास्ट डिवीज़न करता है ना, रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, फास्ट मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये गोनोलेक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स, ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, गोनोलेक्स का, रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स जिसको बोलते हैं, जिस वजह से नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें पिगमेंट कैसा है, रेड पिगमेंट है तो रेड 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 कलर अपीयर्स होता है ना। तो समुद्र के ऊपर रेड कलर का है ना एक सरफेस अपीयर्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टाइट, उसको बोला जाता है रेड टाइट। इस वजह से रिप्रोडक्शन से क्या होगा, नंबर इंक्रीज करेगा है ना, यहाँ पे क्या होंगे, ये जो गोनोलेक्स है इसका नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, नंबर जब इंक्रीज करेगा तो पिगमेंट्स भी रेड कलर का अपीयर्स होगा, पिगमेंट्स है ना, और ये पिगमेंट्स के वजह से है ना रेड कलर अपीयर होगा, समुद्र का सरफेस, सरफेस कैसा होगा, रेड कलर का होगा, किस वजह से, पिगमेंट की वजह से, रेड पिगमेंट की वजह से सरफेस कैसा होगा, समुद्र का सरफेस रेड कलर का होगा, जिसको क्या बोला जाता है, रेड टाइड बोला जाता है, रेड टाइड, इसको क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। तो रेड टाइड ड्यू टू रेड पिगमेंट, और ये क्यों होता है, क्योंकि गोनोलेक्स है, रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होती है, रिप्रोडक्शन होता है, जिस वजह से सरफेस में रेड रेड अपीयर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं, याद रहेगा। गोनोलेक्स एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है अपने बॉडी से जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन, ये एक्चुअली न्यूरोटॉक्सिक होता है ना। जब ये सेक्रेशन होता है तो पानी में जैसे फिशेस है, मॉलस्क है, उसकी डेथ होती है। अगर उस फिश को ह्यूमन खाता है तो पैरालिसिस के चांसेस होते हैं, है ना, ठीक है। तो गोनोलेक्स के रिगार्ड अगर हम लोग और एक पॉइंट को इधर देखें तो गोनोलेक्स सेक्रेशन करता है, सिक्रेशन करता है सेक्सी टॉक्सिन्स का, सिक्रेशन करता है सेक्सी टॉक्सिन्स का, सेक्सी टॉक्सिन्स क्या है, सेक्सी टॉक्सिन्स एस ए एक्स, सेक्सी टॉक्सिन का इस तरह से सेक्रेशन करता है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये क्या होता है, न्यूरो टॉक्सिक, दैट मीन्स नर्व सेल्स को ये क्या करेगा, डैमेज करेगा, पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। इसमें जो समुद्र में यहाँ पे गोनोलेक्स के थ्रू क्या होगा, सेक्सी टॉक्सिन, टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होगी बॉडी से,
तो वहाँ पे जो फिश होगी, मोलस्का होगी, उनकी डेथ होगी। उनकी क्या होगी? डेथ होगी। किसकी? मोलस्का होगा। फिशेस होंगे, ये फिशेस की क्या होगी? डेथ हो जाएगा। मोलस्क फिशेस की ये डेथ हो जाएगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डेथ करेंगे, है ना? अगर इस फिश को कंज्यूम करेगा ह्यूमन, तो ह्यूमन में क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएंगे। पैरालिसिस हो जाएंगे, है ना? पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनिंग बोलते हैं इसको, है ना? पैरालिसिस हो जाना मीन्स नर्व सेल्स, बॉडी का कुछ पार्ट डिसफंक्शन कर जाना। तो इस तरह से हम लोगों ने डाइनोफ्लेजिलेट्स को कंप्लीट किया। ओके, तो दूसरा हम लोग कंपोनेंट्स डाइनोफ्लेजिलेट्स, तीसरा हम लोग नेक्स्ट क्लास में तीसरा कंपोनेंट देखेंगे। ओके, थैंक यू।